वीडियो जारी हुआ है ये कांग्रेस ने जारी किया है, हमने तो कांग्रेस ने जारी किया है उसमें से लिया है। और भारत जोड़ो यात्रा में साफ साफ नारा लगाया जा रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, और राहुल गांधी उस यात्रा में खीसे निपोरते हुए चल रहे हैं। उन्होंने पलट के उस व्यक्ति को पकड़ने की भी कोशिश नहीं की, कोई सजा देने की कोशिश नहीं की, उस यात्रा से बाहर करने की कोशिश नहीं की। इससे ये बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के नेताओं के दिलों में पाकिस्तान के प्रति जो सहानुभूति है, आतंकवादियों के प्रति जो सहानुभूति है, देश तोड़ने वाली टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रति जो सहानुभूति है, वो सत्य उनके मुंह से सामने निकल के आ रहा है उनके कार्यकर्ताओं से। और उसका मूक समर्थन राहुल गांधी, कमलनाथ सब लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत को बदनाम करो यात्रा है, ये पाकिस्तान का समर्थन करो यात्रा है। अन्यथा राहुल गांधी एक बार बताते कि भारत कहां से टूटा है जिसको आप जोड़ने जा रहे हैं। भारत अगर टूटा है तो तुम्हारे पुरखों की पदलिप्सा के कारण टूटा 1947 में, और भारत अगर छोटा हुआ, भारत अगर सिकुड़ा तो तुम्हारे पुरखे की कायरता के कारण 1962 में हुआ। इसको ये देश, ये हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। अपने पापों का प्रायश्चित करिए और अपना सही उद्देश्य बताइए। जांच होगी और इस प्रकार की ताकतें जिनको मूक समर्थन राहुल गांधी का यात्रा में दिखाई दे रहा है, वे सारे धरे जाएंगे, सारे पकड़े जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये वीडियो जारी किया है, तो जाहिर सी बात है ऐसे नारों की जो पोषक है भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने एक एडिटेड वीडियो जारी किया है जिसमें कि ऐड किया है इस तरीके के नारों को। भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास है, चाहे वो जेएनयू के मामले में जहां पर सब लोग बरी हो गए थे, सीडियो को एडिट करवाना, वीडियोज को एडिट करवाना, और जो लोग अभियान में लगे हुए उनकी छवि को खराब करना, ये पुरानी भारतीय जनता पार्टी की नीति है। तो अपने आईटी सेल के माध्यम से इस तरीके के फेक एडिटेड वीडियोज को चला रहे हैं।